हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर, आप लोग जो सबा इब्राहिम के साथ वीडियो में लड़की देख रहे हैं, इसका नाम मेहर है। और आप लोग के बहुत से सवाल थे, आखिर ये बच्ची कौन है, मेहर का सबा का रिलेशन क्या है, क्यों सबा के व्लॉग्स में इस बच्ची को इतना देखा जाता है, ये सबा इब्राहिम के घर अक्सर आती जाती रहती है। इसके साथ साथ आपने एक और छोटी बच्ची को सबा के व्लॉग में देखा होगा, उसका नाम मायशा है। तो ये दोनों बच्ची यहीं सबा के घर आती हैं जब सबा मौदहा में होती हैं। सबा इब्राहिम फ़िलहाल अपने ससुराल मौदहा में हैं और वहीं से ही डेली व्लॉग अपलोड कर रही हैं, और डेली ही इन दोनों बच्चियों को उनके व्लॉग्स में देखा जाता है। चाहे सबा इब्राहिम का ईद की प्रिपरेशन हो, एक्स वाई जेड कुछ भी शॉपिंग हो, वो मेहर मायशा को अपने साथ लेकर जाती हैं। बहुत ख्याल रखती हैं इन दोनों बच्चियों को। ईद पे भी ड्रेसेस दिलाए थे बहुत ब्यूटीफुल से, वो भी इन लोगों की चॉइस के, बहुत सारी शॉपिंग भी करवाई थी। तो सब लोग आखिर जानना चाहते थे मेहर मायशा का सबा से रिलेशन क्या है, क्यों सबा इब्राहिम इन्हें इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट करती हैं, इतने सारे इन्हें गिफ्ट्स वगैरह देती रहती हैं। कुछ लोगों को तो पता होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। तो आज की इस वीडियो में सबा इब्राहिम और मेहर मायशा का रिलेशन आपको बताने वाली हूँ। आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तो व्यूवर्स, आप लोग जो मेहर के साथ दूसरी छोटी बच्ची मायशा सबा के व्लॉग में देखते हैं, तो मायशा जो है मेहर की ही सिस्टर है, मेहर की रियल सिस्टर है। ये दोनों बहनें हैं जो कि सबा के घर अक्सर मौदहा में आती जाती रहती हैं। सबा इब्राहिम से इनका जो रिलेशन है, ये सबा इब्राहिम की कज़िन सिस्टर हैं दोनों, क्योंकि सबा इब्राहिम का जो होम टाउन है वो मौदहा का है। सबा की ननिहाल, ददिहाल प्लस बुआ वगैरह बहुत सारे रिलेटिव्स इनके मौदहा में रहते हैं। इब्राहिम फैमिली का भी होम टाउन मौदहा है। एज द प्रोफेशन इब्राहिम फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई है, लेकिन उनके जो बहुत सारे रिलेटिव्स, उनका असली घर वो मौदहा में ही है। सबा इब्राहिम की बेटी खाला घर हो या मामू हो, सभी लोग मौदहा में रहते हैं। तो ये सबा इब्राहिम के मामू की ही बेटियाँ हैं। आप लोगों ने सबा इब्राहिम के व्लॉग में अक्सर देखा भी होगा और नाम भी सुना होगा, काली मामू। आप लोग अभी स्क्रीन पर जो फ़ोटो देख रहे हैं, ये सबा इब्राहिम के मामू हैं और इनका नाम कारी है, और सबा इब्राहिम अक्सर इन्हें व्लॉग में कारी मामू कहती नज़र भी आती हैं। तो इन कारी मामू की ही दोनों बेटियां हैं, मेहर और मायशा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सबा इब्राहिम की जो कज़िन सिस्टर हैं वो हैं मेहर और मायशा। इसीलिए ये सबा इब्राहिम के घर इतना आती जाती रहती हैं, क्योंकि सबा इनको बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हैं, बहुत ज़्यादा इनसे लगाव भी रखती हैं। और ये सबा इब्राहिम जो अकेली होती हैं तब इनको बुला भी लेती हैं। तो कज़िन सिस्टर हैं आपस में, इसलिए एक दूसरे के यहाँ ज़्यादा आना जाना लगा ही रहता है। वैसे व्यूअर्स, आप लोग को एक बात बता दूँ, मेहर और मायशा हैं, मतलब थोड़ा अफसोस की भी बात है, इनकी बच्चियों की माँ नहीं है, सिर्फ इनके वालिद हैं जो कि कारी मामू हैं, इनकी मम्मी नहीं है। तो जो सबा की बेटी खाला हैं वो मेहर और मायशा की फुप्पी भी हुई, जो कि मेहर और मायशा बेटी खाला को प्यार से बेटी बुआ भी कहती हैं। उन्होंने ही मेहर की परवरिश की है, और मेहर ज़्यादातर बेटी खाला के घर ही रहती हैं जब बेटी खाला मौदहा आई हुई होती हैं। तो इसलिए सबा इब्राहिम इनको अपने पास ज़्यादा रखती हैं जब वो मौदहा में होती हैं, और उनकी हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मेहर का बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, अगर कहीं शॉपिंग पे जा रही हैं तो मेहर मायशा को साथ ले जा रही हैं, किसी के घर घूमने जा रही हैं तो मेहर मायशा को साथ ले जा रही हैं, क्योंकि इन दोनों बच्चियों की माँ नहीं है, कारी मामू इनके मतलब फ़ादर हैं, उन्होंने ही इनकी देख की है, और बेटी बुआ ने ही इनकी परवरिश की है। तो इसलिए सबा इब्राहिम इन बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा ही प्यार ही देती हैं। जाहिर सी बात है, देना भी चाहिए, क्योंकि जिन बच्चियों की माँ नहीं होती उनको मतलब ये फील क्या होता है, कितना एहसास होता है, ये वही लोग समझ सकते हैं। लेकिन मेहर और मायशा बहुत हिम्मत वाली बच्ची हैं, उसके बाद भी इतना हैप्पी रहना, सबा के घर भी आना, सबा के भी साथ देना, उसको भी मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छे से रहती हैं। इसलिए मेहर और मायशा को सबा इब्राहिम ज़्यादा ही अपने घर बुलाती चलाती रहती हैं। तो मेहर और जो मायशा हैं, उनका जो सबा इब्राहिम से रिलेशन है वो कज़िन सिस्टर वाला है। आई होप आप लोगों को अब मेहर और मायशा का जो रिलेशन है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप लोग जब भी सबा इब्राहिम मुंबई से मौदहा आती हैं और व्लॉग डालती हैं तो इन दोनों बच्चियों को देखते हैं, और फिर भी क्वेश्चन करते हैं कि आखिर मेहर कौन है, ये बच्ची कौन है, क्यों सबा के व्लॉग में इतना इस बच्ची को देखते हैं, क्या है सबा से कोई ख़ास रिश्ता है, इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आते थे। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस आज क्लियर हो गए होंगे, सारे डाउट्स आप लोगों को जो अब तक नहीं पता थे, कौन है, क्या है रिश्ता, सब पता चल गया होगा। तो व्यूअर्स, आप लोग की क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप लोगों को पहले से किसे पता था मेहर और सबा इब्राहिम का रिलेशन, कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।